इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने और बेचने वाले गिरोह को पकड़ा। गिरोह से 35 कट्टे और पिस्टल बरामद की गई। आईजीपी विवेक शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि जिला बड़वानी के अंजड़ गांव का सिकलीगढ़ इंदौर में हथियारों की डिलीवरी देने आया हुआ है। क्राइम ब्रांच ने अवैध देशी कट्टे और पिस्टल बनाकर बेचने वाले अंजड़ निवासी दिलावर सिंह को पकड़ा। दिलावर ने पूछताछ में पता चला कि धार, बड़वानी, खरगोन आदि जिलों में रहने वाले सिकलीगढ़ों का संपर्क मध्य प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के एजेंटों और आपराधिक तत्वों से है, जहां स्थानीय एजेंट के जरिए ये लोग अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। क्राइम ब्रांच ने दिलावर पिता लक्ष्मण सिंह की सूचना पर उसके इंदौर नेटवर्क का पता चला, जिसमें अनिल उर्फ गोलू शिंदे, संजय उर्फ केकड़ा, रवि बड़ोल, अश्विन पिता समाधान मराठा, मनीष उर्फ बिल्ली पिता रामचंद्र भेड़वे को पकड़ा। इन सभी से 12 पिस्टल और 23 देशी कट्टे और कारतूस बरामद किए गए। आईजीपी विवेक शर्मा ने टीम को 30,000 के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की। भारतीय न्यूज के लिए इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। आज प्रदेश भर में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान की शुरुआत हुई है और इसी कड़ी में आज इंदौर में यहाँ क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 35 इलीगल फायरआर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 12 पिस्टल हैं और 23 कट्टे हैं, 7 राउंड भी इसमें बरामद हुए हैं। इनमें से 4 लोग इंदौर के हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और दर्जनों अपराध इनके विरुद्ध दर्ज हैं और ये अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए आगे के लिए अपने फायरआर्म्स प्रोक्योर कर रहे थे, खुद कुछ अपने के लिए और कुछ बाहर एक प्रीमियम पर बेचने के लिए। तो जो इन्होंने आर्म्स प्रोक्योर किए हैं उस संबंध में हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति धार का है और एक सिकलीगढ़ है बड़वानी का। तो इसमें हमारे पास इनके अलावा कई सारे अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन्होंने पूर्व में इनसे हथियार खरीदे हैं और जो इस तरह के हथियार बना रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान, उससे जस्ट पहले, लॉकडाउन से पहले हमारे द्वारा 34 फायरआर्म पकड़े गए थे, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी कैच थी। आज ये 35 फायरआर्म्स, ये पिछले 5 साल से भी ज़्यादा के समय अवधि में ये सबसे बड़ी कैच है आर्म्स की, सिंगल कैच। और हम जो है इसमें जहाँ ये मैन्युफैक्चर होते हैं, जो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी नेटवर्क हमारे को इसमें पता चला है और हम आगे आने वाले दिनों में इसको डेवलप करके इसमें और कार्रवाई करेंगे। इसमें जो टीम है मैं उसको 30,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा करता हूँ और इन पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके बिल्कुल तह तक जाएंगे और जितने और लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.